गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं घर पे पिछले दो दिन से अकेला हूँ। शिल्पी गई हुई है डेली अपने ऑफिस के काम से और आज दो दिन के बाद वो वापस आ रही है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बचा है कि वो वापस आ रही है और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है अभी कि जिस तरीके से वो घर छोड़ के गई थी उसी तरीके से मुझे घर को वापस से सेट करना है। इन दो दिन में मैंने थोड़ी बहुत गंद तो मचाई है यार, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत गंद तो मचता ही है। किचन की हालत आप लोग देख लो, बर्तन अभी गंदे कुछ पड़े हुए हैं इन्हें सेटल करना है और इधर उधर ये सब जो पड़े हुए हैं उनको भी सेटल करना है, ये थोड़ा सा क्लीन करना है। इसी तरह करते करते पूरे घर में कुछ ना कुछ इधर उधर फैला हुआ है, सामान थोड़ा सा अनस्टेबल है। मेरे पास 45 मिनट हैं, 1.5 मिनट जिसमें से भी खर्च हो गए होंगे आपसे बात करते करते, तो मैं जल्दी से काम पे लगता हूँ और उसके आने से पहले घर को सेटल करता हूँ। मेरे को उसको पिक करने भी जाना होगा बस स्टैंड पे, इससे पहले कि वो यहाँ पहले पहुँच जाए मैं जल्दी से ये ख़त्म करके बस स्टैंड जाता हूँ। किचन इज ऑलमोस्ट डन, किचन का काम हो गया है। तो ये कुछ सामान थे मार्केट के जो लाए थे, इसको भी अपने ठिकाने पे रख देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो डन। ये रूम एक्चुअली मैं ना सुबह ही साफ करके गया था तो यहाँ पे कुछ भी एज सच फैला नहीं है। बेड भी पूरा अरेंज करके गया था सुबह ही, मुझे पता था कि शायद ऑफिस से थोड़ा लेट हो सकता है आज, तो मैं सुबह ही ज़्यादातर काम करके गया था। अब क्या बचा है, जो भी चीज़ छोटी मोटी दिख रही है जो इधर उधर है बस उसको मैं वापस से सेट कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ये नहीं है कि मैं सामान फैला के रखता हूँ, बात ये है कि दिस इज़ हाउ आई एम। मेरे को मेरे सामान मेरे नज़रों के सामने रहे, दिखते रहे, अच्छा ये है वो है। जो डेली यूसेज में चीज़ें आ रही हैं उनके लिए बार बार अलमीरा खोलना मेरे को पसंद नहीं है, तो या इसलिए मैं ज़्यादातर सामान अपना बाहर ही रखता हूँ। इसको आप लोग कह सकते हो कि फैला के रखने वाली चीज़ है या जो भी है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। शिल्पी ने मुझे लाइव लोकेशन भेज दी है, वो लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में है अपने। एक लास्ट चीज़ जो रह गई है वो कर देता हूँ, उसके बाद सब कुछ डन। ऑल राइट, तो पूरे घर में रूम फ्रेशनर भी छिड़क दिया है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डन। मैं बस चेंज करता हूँ और जाता हूँ उसे पिकअप करने को। आज मैं करूँगा पैशन की सवारी, दो तीन दिन हो गया ये बाइक निकली नहीं है, तो लेट्स सी कि इसका क्या सीन है, ये स्टार्ट भी होती है कि नहीं। तो मैडम हाउ आर यू, यू गुड? दो दिन कैसा रहा मेरे बिना? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिना अच्छे नहीं हो सकते। तो टुडे वी डिसाइडेड टू कम टू क्लासी इन, नॉट वी, ओनली यू डिसाइडेड दिस। मतलब ठीक है, हमने म्यूचुअली कंसेंट, हमने में सिर्फ तुम ही हो इसमें, मैं नहीं हूं। हमने म्यूचुअली नहीं डिसाइड किया, मैंने अकेले डिसाइड किया, लेकिन हम ही तुमने भी भरी कि हम आते हैं आज क्लासी इन। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमारी शादी भी हुई थी, इनके बैंकवेट हॉल से। तो यस, आज हमने डिसाइड किया कि यहीं पे आते हैं। क्या खाओगे? तुमको आज देख के बड़ी खुशी हो रही है इतने दिनों बाद। शिल्पी इतने दिनों बाद नहीं है, सिर्फ 3 दिन की तो बात है। तो 3 दिन, 3 दिन बहुत होते हैं। 3 दिन, डिड यू मिस मी? थोड़ा 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 थोड़ा, आई मिस यू अ लॉट। क्योंकि काम खुद करने पड़े सारे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ काम के लिए तुमको याद करता हूँ? अरे बाबा मजाक है। खाना आ रहा है? नहीं नहीं, तुझे वहाँ मिरर में दिख रहा है कि कुछ आ रहा है? अब नहीं आ रहा। या ये कंफ्यूजन हो जाती है, कोई वेटर अपनी तरफ आता हुआ दिखता है तो लगता है कि वो हमारा ही खाना ला रहा है। अभी ये मत डालना प्लीज। खाना बहुत ज़्यादा स्वाद था यहाँ का हर बार की तरह, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं क्लासी इन में। बगल में एक दो रेस्टोरेंट्स और हैं जो कि इससे एम्बियंस वाइज थोड़े बेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खाने का जो स्वाद है उसके बेस पे देखोगे तो क्लासी इन ऑलवेज़ बेटर देन रेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स। खाना पीना हो गया, डिनर हो गया, घर चल रहे हैं। मैडम बहुत थकी हुई हैं, बस से ट्रैवल करके आई हैं, इनको ज़्यादा सताते नहीं हैं यहाँ गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी और घर जाते हैं। The next day. We have just
मेड कोल्ड कॉफी। ऑफिस से आओ शाम को, अगर आपको कोल्ड कॉफी बनी हुई मिले आपकी बीवी के हाथ की तो क्या बात है, जीने का मजा ही कुछ और है इसमें। चीयर्स बेब। टेस्टिंग सेरेमनी, कोल्ड कॉफी। चीयर्स ब्रो, चीयर्स। लवली, सुपर लवली। इतनी सारी बर्फ डाला उसके बाद भी लग रहा है कि ठंडक में थोड़ी सी कमी है। होता ये है, आपको इस ग्लास को भी ठंडा करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखना होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कुछ भी ऐसा ठंडा ड्रिंक वगैरह कुछ लेना होता है ना तो थोड़ी देर पहले है, बिल्कुल है, ग्लास गर्म में रखा हुआ है, ड्रिंक आप ठंडी बना के उसमें डाल रहे हो तो ड्रिंक ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना वो होता है। बाबा दिस इज फिजिक्स, ये इसको क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी क्या कहते हैं, कुछ लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ऐसा कुछ करके कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। वैसे नो डाउट बहुत तगड़ी कोल्ड कॉफ़ी, मज़ा आ गया पी करके। चीयर्स अगेन। अब बताओ आगे का क्या प्लान है, कल का अपना क्या प्लान है? कुछ कुछ सामान लाना है, मार्केट जाना है, रक्षाबंधन का सामान, शॉपिंग वगैरह। तो यहाँ हो रही है चम्मच की डिमांड, कॉफ़ी के नीचे जो जम जाता है वो चम्मच से ही आता है, राइट? झाग होता है वो, राइट? इसमें ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स? कोल्ड कॉफी में कौन ड्राई फ्रूट डालता है बाबा, शिल्पी डालती है कोल्ड कॉफी में ड्राई फ्रूट। ये लो जी तोड़ा चम्मच। बहुत गर्मी ऑफिस में, इतनी गर्मी रहती है ना, आधी जान मेरी निकल जाती है उस गर्मी से। और आधी जान घर आती नहीं, आधी जान घर आके नहीं निकलती, पूरी जान वापस आ जाती है घर आके अपनी जान को देख के। अमेजोन से कुछ पार्सल आया है, चलो उसको खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है। अभी शिल्पी को बहुत जल्दी हो रही है उसे खोलने की, तो प्लीज तुम ही खोल डालो यार इसको, प्लीज डू दी ऑनर। तुम अपने हाथ में लगा लोगी। ओ ये तो ये वाला भी है, इसमें बेड को गंदा नहीं करते, सब कूड़ा इधर ही करते। ग्रिलर वाला भी है, ये ग्रिल सैंडविच वगैरह बनाने के लिए है प्लेट। ये वैसी वाली सैंडविच नहीं होती, वैफल, वॉफल, वॉफल कहते हैं ना उसे। दूसरी का है अगारो, ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है। इट लुक्स फैंसी और इसके अटैचमेंट्स भी बहुत कूल हैं। इट फील्स सो गुड, जैसे करो है ना। हाँ, और तीसरा वाला कौन सा है अपना, नॉर्मल सैंडविच के लिए है ये थर्ड। तो भैया आप इसको पैक कर दो, देख लिया इसका, बहुत प्यारा मुखड़ा है इसका, प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, पैक कर दो, भर दो डब्बे में। तुमसे ज़्यादा क्यूट नहीं है। अरे अरे अरे, तो आपका बड़प्पन है। मैंने भी बात सिर्फ फेंकी है, दिल पे मत लेना कि तुम क्यूट हो। पोपट पोपट करती है मेरा, मेरे वीडियो में मेरा ही पोपट करती है। इसके अटैचमेंट्स कैसे पैक करेंगे, इसमें क्या करना है, पैक करके रखना है, क्या करके रखना है? तो इस डब्बे को तो तुमने धराशायी कर दिया, इसमें तो पैक हो नहीं सकता। मैं कर रही हूं, अभी रुक जाओ। The next day. Good morning. क्या हो गया, तबीयत खराब लग रही है? तुम्हारे लिए गरम पानी भी हो रहा है, तुम गरम पानी पी लो, ओके? और थोड़ा आराम करो, इधर उधर मत रहो, गर्मी बहुत हो रही है, किचन में मत रहो, तुम जाओ, आज छुट्टी है ना, कोई सच जल्दबाजी नहीं है। शिल्पी इज नॉट फीलिंग वेल, कुछ घरेलू उपचार चल रहा है उसके लिए। शी इज डूइंग इट हरसेल्फ, शी इज द डॉक्टर ऑफ हर ओन, तो वो खुद ही डॉक्टर बन के अपना इलाज स्वयं कर रही है। इसी तरह देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, जैसा कि मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। जब से सुबह से उठी है बच्ची तब से बेचारी परेशान है, नाश्ता का करे गोलाली क्या? अभी मेरा मन नहीं है। बता तो दे, थोड़ा मैं बनाता रहूँगा, चल थोड़ी देर बाद पूछूँ यही सवाल। जाने यार प्लीज, अभी मेरा मन नहीं है। 20 minutes later. Fruits खा लो friends. हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। इसी तरह हेलो फ्रेंड्स फ्रूट्स खा लो। तबीयत ठीक लग रही है अब तुम्हें? बेटर है। तो तुम्हें ना बस गर्मी के कारण हो गया था और कुछ भी नहीं था, मेरी बात मान लो। आजकल ना खजूर खाने में बड़ा मजा आता है। अब ये बताओ कि आज क्या क्या सामान लेने जाना है? आज अपने पास सीरियसली बहुत ज़्यादा काम है, वर्कलोड आज बहुत ज़्यादा है। सामान क्या क्या लाना है जब तक बोलो, मैं लिस्ट तो बना ही लेता हूँ। तो एक गुड न्यूज़ ये भी है कि शिल्पी अपना एक नया कुकरी चैनल स्टार्ट करना चाहती है यूट्यूब पे, तो आई सेड वेरी मच वेलकम है भाई इस आइडिए को। थोड़ा बहुत काम चल रहा है, टेक्निकल वर्क चल रहा है इस पे, बढ़िया एक प्रोमो वगैरह डिज़ाइन हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही चैनल स्टार्ट होगा कुछ वीडियोज डलेंगे, फिर शेयर करेंगे लोगों में भी, राइट? क्योंकि मैंने भी इससे कई दिनों से बोल रहा था कि भाई तू इतना अच्छा खाना बनाती हो, व्हाई डोंट यू शेयर इट विद पीपल,
लोगों को दिखाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे चलते। मैंने पाव भाजी बनाई थी, लोग फ़ोन करके रेसिपी पूछ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, पाव भाजी की रेसिपी तो कई लोगों ने फ़ोन करके पूछी, तो इसीलिए जब बहुत लोगों ने पाव भाजी की रेसिपी पूछी तो अपने को भी मोटिवेशन मिला यार कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है इस काम को, राइट। प्रीटी मच दिस, जैसे ही चीज़ें लाइनअप होंगी आप लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। ले जाने वाला सारा सामान ना अभी पाइलअप करके यहाँ रखेंगे तो पता चलेगा कि कितने बैग्स लेके जाने हैं, कितने नहीं लेके जाने हैं। ओके, नाक में खिला दो मेरी। तब प्यार करने वाली बीवी तुझे नहीं मिलेगी जो खिला रही है, लेटा हुआ है राजाओं की तरह और ऐसे करके। तो वी हैव केसर वाला दूध, प्रोटीन शेक, बेसन टोस्ट। वी हैव न्यू नेबर्स, मेरे बॉस, मेरे मैनेजर हमारे घर के बगल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी अभी वो अपना सामान लेके आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ जाता हूँ नीचे, थोड़ा सा उनको बता देता हूँ ऐसे वैसे क्या है, मैं जा रहा हूँ फिर नीचे। ओके okay? हाँ जी सर, वेलकम। सही समय पे आए आप, बारिश शुरू हो गई थी। क्या बना रहे हैं? वीडियो बन रही है आज तो फिर। आज की अपनी सवारी, बारिश हो रही है गजब वाली, इतने दिनों से बारिश का इंतज़ार था, आज लेकिन हो गई बारिश। वीली मारे इस पे वीली। मैं फिर से ये बोलना चाह रहा हूँ, बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी हो रही है, तेज़ हो रही है, मौसम ठंडा सा लग रहा है, थोड़े थोड़े शार्स पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। मच नीडेड बारिश, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस बारिश की भाई, एकदम ऐसा लग रहा है आत्मा तृप्त हो गई है इस बारिश में, खुशी मिल रही है अंदर से, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बारिश के होने से। एक और Amazon की डिलीवरी हो गई है घर पे, दिस इज अगेन समथिंग ह्यूज, लेट्स ओपन इट अप एंड सी कि क्या है इसमें। तो दिस इज आवर न्यू आयरन टेबल, दिस वॉज मच नीडेड। रुको, अरे अरे, इसका एक ये पैरों का ये निकल गया जो एक लगा होता है, ये टूट गया है क्या? हाँ ये टूटा है, इस मारे ये निकल गया है। चलो कोई नहीं, कांट हेल्प इट, ऑनलाइन सामान ऐसे ही आता है थोड़ा बहुत। पेड़ हमारे कितने सुंदर और सुशील हैं, बिल्कुल अभिनव की तरह, बिल्कुल आदर्श बालक की तरह। अच्छे आ गए हैं पेड़ पौधे। आ गए नहीं, लाया कौन है? मैडम लाई। ये बोलो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं पेड़ पौधे। मौसम तो आज का बेमिसाल है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, अच्छा खासा मौसम हो गया है। अभी लंच वंच करके बैठे, ये हुआ कि काम शुरू करने से पहले थोड़ी देर बालकनी में आते हैं, हवा खाते हैं। ओहो बहुत अच्छी, विंड ब्लास्ट आ रहा होगा माइक पे बहुत ज़्यादा क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। ऐसा लग रहा है ना कि बस बालकनी में बैठे रहो और अच्छी खासी मतलब इंजॉय करते रहो, क्यों? This is what? दूध वाली कोल्ड ड्रिंक। We are having दूध वाली कोल्ड ड्रिंक right in the middle of the market। ये इसको मिल्क बादाम कहते हैं शिल्पी, बता दूँ? मैं नहीं बोलती। हाँ, but this is मिल्क बादाम, not दूध वाली कोल्ड ड्रिंक। हर बीवी की तरह ये बीवी परेशान हो गई आज मुझसे। क्यों, तुम्हारी कितनी बीवी है? I mean to say is जैसे सारी बीवियां परेशान हो जाती है अपने पतियों से, तो यार ये बीवी भी परेशान हो गई मुझसे। नमकीन को खोल के रखता बरसात के टाइम में, तुमने किया था? तू सब नहीं, मैं किसी के सामने ना रख दूं ट्रे को उठा के लेके गया था। ट्रे तो मैं उठा के लेके गया था, वो पलटने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे अब जो हो गया सो, अब ये ऐसी जल्दी मैं जल्दी में भागा था यहाँ से कि तुम वहाँ मेरा वेट कर रही हो। बहुत जल्दी आए थे, जैसे वो लोग निकले मैं तुरंत आया था। ओके हाँ, अजी हाँ, एक घंटे बाद नहीं, मैं व्लॉग एंड कर लूँ मैं व्लॉग एंड कर लूँ तो ठीक है गाइज, आज के इस वीडियो में
ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज जूते नहीं पड़ रहे, मतलब आज मज़े आ रहे हैं, अलग मज़े हैं। तो मैडम जी थोड़ा सा काम कर रही हैं और मैं कपड़े भी नहीं बदले, आती किस दिन मैं ऐसी लग जाऊं। तो ठीक है गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे, लिव टुडे एंड लव टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।